क्या जबरदस्त काम कर रहा है यार। तो गाइस ये है RTR 310 जो न्यू लॉन्च है, सिर्फ पहली है दुर्ग और भिलाई में। तो ये हमारे केडी भाई की बाइक, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल, लेट्स गो। गाइस पंच तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी मैं पहली बार चला रहा हूँ तो उतना आइडिया नहीं है बाइक के बारे में। पावर है भाई, चार हज़ार रुपये का क्या पावर बना दिया। बता दूँ 35 बी एच पी बाइक एंड 28 मतलब टॉप। तो उसका जो बी एच पी करीब होती है वो 9000 आर पी एम पे बची हुआ था, 9000 तो जान ही रहे बहुत सही यार गाड़ी का। तो गाइस अभी मैं आपको क्विक शूटर दिखाता हूँ, सर क्या ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, एक बार देख लो। डाउन शिफ्ट देखना गाइस क्या मक्खन की तरह होता है, क्या जबरदस्त काम कर रहा है यार। तो है भाई है, पावर भी है, फील भी है बाइक में, है भाई कुछ बात तो है गाड़ी में, मजा आ रहा है चलाने में। इसका जो इनिशियल है ना मुझे, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू टॉप एंड। और गाड़ी की साउंड भी बहुत प्यारी है यार। बाकी अगर मैं बात करूँ RR की तो ये लोग सेम इंजन है वो शेयर करते हैं साथ में, बस ये नेकेड है, वो फेयरिंग है और भी उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें से कुछ शिफ्ट नहीं आता है, इसमें आता है तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस है, मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। तो चलते सिल्वर सेक्टर 1 की तरफ। तो चलो भाई सर, क्विक शिफ्ट बहुत सही काम करता है यार। मतलब मैंने KTM चलाई हुई है 390, उससे भी बहुत प्यारा वर्क कर रहा है इसका फिलहाल क्विक शिफ्टर। बाकी पावर मुझे डिसेंट है, उससे 10 bhp कम है KTM 390 से और CCV वैसे कम ही है, पर यार CCV वैसे मैटर नहीं करता, पर बहुत सही पावर प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी का, पंच बहुत अच्छा है। आहा मज़ा आ रहा है भाई, डाउन शिफ्ट ना इसका बहुत प्यारा वर्क कर रहा है, उस कसम से बता रहा हूँ। और इसमें हम लोग को क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, सोचते हैं कि 60 पे लॉक हो गया है। देखो मैं बिल्क अपने हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, 5वें गियर पे हूँ और स्टेबिलिटी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी यार देखो गाड़ी लॉक हो चुकी है, मैं एक्सेलरेटर कब से छोड़ के रखा हूँ, ये अपने आप चले पड़ी है। बहुत स्मूथली जाती है यार, एकदम मक्खन की तरह जाती है। तो गाइस लुक्स तो आपने चेक कर लिया हो गया, तो अब फटाफट आता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो भाई लुक के बारे में तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बहुत जबरदस्त बाइक है। तब चलते हैं फटाफट इसके इंजन के बारे में। तो इंजन हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है 312cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 35 bhp ऑफ पावर एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क। भाई पावर फिगर की बात करूँ तो बहुत गजब की बाइक है भाई। और इसमें हम लोग को मिल जाते हैं टाइटेनियम के हेडर्स। और अगर मैं बात करूँ मैं टायर स्टेशन की, तो सामने हम लोग को मिल जाता है 110 का टायर स्टेशन विथ ट्यूबलेस टायर्स। और सामने अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन के बारे में, तो हम लोग को मिल जाता है गोल्डन फोर्स के USD सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हैं उसका, आप इसको फ्री रोड एडजस्टेबल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर पीछे रेयर स्टेशन के बारे में, तो पीछे हम लोग को मिल जाता है 150 के मिशलिन के टायर्स, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। और बात करूँ अगर उसके में ड्राइविंग सेक्शन के बारे में, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है चेन ड्राइव सिस्टम। और बात करूँ अगर मैं गियर के बारे में, तो गियर यहाँ पे मिल जाता है 6-speed गियर बॉक्स, जो कि मिलता है हम लोग को क्विक शूटर ऑटो ब्लीपर के साथ। तो भाई इसका क्विक शूटर बहुत मक्खन काम करता है, अभी मैंने चला के बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ मुझे। अगर मैं बात करूँ अगर टैंक के बारे में, तो टैंक मिल जाता है हम लोग को 11 लीटर का। और इसका जो डिस्प्ले है भाई क्या ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है यार, देखो
बाकी इसमें काफ़ी सारे हम लोग को राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, न्यूट्रल फ्यूल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। स्विचेस की क्वालिटी उतनी सही नहीं है पर ठीक है, ये भी थोड़े कास्ट स्लॉट में ठीक हो जाएगा। बाकी हम लोग मिल जाते हैं एडजस्टेबल लीवर्स सामने दोनों साइड, ब्रेक्स एंड क्लच दोनों साइड। सर क्लच भी काफ़ी स्मूथर साइड है तो काफ़ी मुझे हाथों पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है इसको दबाते वक्त। बाकी यहाँ पे मीटर पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, साइज 10 कितने टॉप स्पीड तक गई है, आप इसमें ट्रैक अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत कुछ दिया गया है। और अगर बात करें इसके टेल सेक्शन के बारे में तो देखो यहाँ पे बहुत एकदम क्लीन लुक दिया खाली सा, और यहाँ पे से डुकाटी से इन लोगों के साथ इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे एक मडगार्ड दिया है नीचे पे जो काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो डायरेक्ट उसको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी आपको कटिंग वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ या यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर प्लेट लगाने की जरूरत है, दैट्स इट। मैं आपको दिखाता हूँ 0 to 60 कितने सेकंड में जाती है, उसका फर्स्ट गियर कितना है। ओह माय गॉड, आपका कोई मीटर में दिख गया होगा कितनी स्पीड गई। बड़ा ट्राई लेते हैं भाई, ब्रेकिंग पे बहुत जबरदस्त है यार, मजा आ गया। भाई तो जबरदस्त रील भी डालने वाली है भाई, तो फॉलो कर लो। तो यहाँ पे एक बार ना फर्स्ट गियर चेक कर लेते हैं, है ना। सड़क खत्म होती है भाई, टूरिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यार ये, मतलब आराम से मतलब हाईवे से क्रूज करते हुए जा सकते हो, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। काफ़ी जैसे आप अगर थोड़ा सा झुक के चला रहे हो तो आपके बैक पे पेन नहीं आएगी, अगर आपको छोटे मोटे कुछ काम करना तो वो भी आप कर सकते हो, वैसे करना नहीं चाहिए बस आप कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी सीटिंग पोजिशन की मैं बात करूँ तो बहुत कम्फर्टेबल है, मेरे बैक स्ट्रेट है, मैं काफ़ी आराम से बैठा हुआ हूँ। बाकी बाइक थोड़ी सी ना मुझे हैवी फील होती है, चाचा ने नहीं पकड़ा, बच गए। देखो जैसे मनोवर करना चाहोगे ना थोड़ी सी ना हैवी फील होती है, बहुत इजीली मनोवर नहीं होती इधर उधर, ठीक है। ऑन एंड ऑल बाइक इज़ गुड, सीट बहुत अच्छी है गाड़ी की, पावर डिलीवरी बहुत ही अच्छी है, मुझे कुछ उसमें लैग मिल रहा है, जैसे कि ना देखो जैसे जैसे आप थ्रॉटल खोलोगे तो थोड़ा लेट आता है, देखो देखो थोड़ा सा लेट है। एक इशू और यहाँ पे लगा, बाकी ऑल एंड ऑल बाइक इज़ गुड। भाई बाकी कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है, ब्रेकिंग है ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही जैसे मुझे ड्यूक पे आती है, अपाचे को इस पर काम करना पड़ेगा, हैंडलिंग इज नॉट सो गुड। अभी देख सकते हो कि मैंने इनिशियली ब्रेक यूज किया पर नॉट दैट वॉज क्यूब क्विक, इतना क्विक साइज नहीं है, अभी मैं इनोवा को पे डाल दिया रहता। इसका जो पावर है ना वो एकदम से बाहर आ जाती है, मतलब थ्रॉटल खुले रहो ना फिर भी इसका थ्रॉटल खुला हुआ रहता है, देख रहा अभी जाके ये डाउन हुआ।
देखो अभी भी चल ही रही थी है, मुझे यहाँ पे लगी थोड़ा सा नहीं, ये सेफ्टी के पर्पज़ पे आ जाती है, तो मुझे लगता है कि TVS को जल्दी से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ्टी कंसर्न है। तो TVS वालों थोड़ा सा इससे काम करो, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, बाकी मैं मुझे जो भी गाड़ी चलाता हूँ अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी जाके मैं उसमें कुछ करता हूँ, तो मुझे उसमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उतना। बाकी आपको बाइक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। Like a lifetime, I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night?